नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की एक ऐसी करतूत दिखाऊंगा जिसे देखकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी को आश्चर्य हो या न हो, पूर्णिया के डीएम और डीईओ को आश्चर्य हो या न हो, लेकिन आप आश्चर्यचकित जरूर हो जाएंगे। वैसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अपने रिश्तेदार शिक्षक रामाशीष पाल का अब्सेंटी बनाने का सलाह दे रही है, उसे आपने देखा ही होगा कि जब मैं उनसे वायरल ऑडियो से जुड़ा हुआ सवाल पूछा तो वो कैसे उलझ पड़ी मुझसे। और आज एक बार फिर जब आप बी कोठी प्रखंड की बीईओ शीला रानी की हेरा फेरी को जानेंगे तो आप एक बार फिर अचंभित रह जाएंगे। दरअसल पूर्णिया जिले के बी कोठी प्रखंड के कमलपुर मध्य विद्यालय परिसर में ही और कमलपुर मध्य विद्यालय के भवन में ही वर्ष 2012 ईस्वी में एक शिक्षकीय नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कल्याणा कमत की स्थापना हुई। वर्ष 2013 से लेकर फरवरी 2022 तक नवसृजित विद्यालय कल्याणा कमत के प्रभारी के रूप में शिक्षिका मनीषा कुमारी रही। उसके बाद मार्च 2022 में शिक्षक विष्णुदेव कुमार को कल्याणा कमत का प्रभारी बनाकर भेज दिया गया। इस बीच बीओ की लापरवाही को देखिए कि जब कभी भी शिक्षक विष्णुदेव कुमार छुट्टी पर होते थे तो बीईओ विद्यालय का संचालन टोला सेवक के हाथों में दे दिया करती थी। जिस विद्यालय में 185 बच्चे नामांकित हैं उस विद्यालय के बच्चों की पढ़ाई और एमडीएम के संचालन की जिम्मेवारी उस टोला सेवक के हाथों में सौंप दिया करती थी जिसकी ड्यूटी 11 बजे दिन तक ही होती है, यानी 11 बजे के बाद विद्यालय में शिक्षक नहीं होते थे। तो सवाल उठता है कि फिर बच्चों को कौन पढ़ाता था, जबकि ऐसा प्रावधान है कि एक शिक्षकीय विद्यालय के शिक्षक को यदि छुट्टी दी जा रही है तो फिर बच्चों के पठन पाठन के लिए किसी अन्य शिक्षक का डिप्टेशन किया जाना आवश्यक है, परंतु बीईओ के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता था। बिना शिक्षक के ही विद्यालय का संचालन होता रहता था। और जब बीईओ की इस लापरवाही की जानकारी मुझे मिली तो मैं 31 जुलाई को विद्यालय पहुंच गया। उस दिन मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसे पहले आप सुन लीजिए। टोला सेवक हैं आप, यहाँ कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं आप? 9 बजे से 11 बजे तक। 9 बजे से 11 बजे तक। 11 बजे तक जी। उसके बाद 11 बजे के बाद बच्चे का क्या होता है, बच्चा कहाँ जाता है? मुझे छुट्टी में है ना सर, हमको टाइम देना पड़ता है ना विष्णुदेव बाबू। अच्छा, टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ जो शिक्षक हैं वो छुट्टी पर हैं? छुट्टी, बीमार है, सीरियस बीमार है जी। यहाँ आपके विद्यालय में कितना बच्चा है? 171 बच्चा है, लेकिन आज तो दूरी का है ना सर, नहीं आ पाया। 171 बच्चा है इसमें, इसमें है कल्याणा कामत में। तो आज कहाँ है सब बच्चा? मतलब 171 बच्चा में से एक भी बच्चा आपके विद्यालय में आज नहीं है? नहीं आया सर, नहीं आया। क्लासरूम कौन सा है? यही तो सर। इस एक रूम में आप लोग 171 बच्चे को पढ़ाते हैं जी। लेकिन आज कितना तारीख है? आज तो 31 है सर। 31 जुलाई है आज, और आज के दिन आपके विद्यालय में एक भी बच्चा अभी नहीं है? नहीं है सर, बात तो सही है सर, दूरी है इसलिए नहीं आ सका। दूरी है? दूरी है यहाँ से। यहाँ बच्चा धमधा से आता है पढ़ने? उस टोला से आता है, 1.5 किलोमीटर दूरी है। 1.5 किलोमीटर दूरी से तो आता तो होगा ही? आता है सर, लेकिन बच्चे के लिए विद्यालय है जी। तो आज रसोया भी नया है, बच्चा भी नया है, बच्चा उसी टोला का है, रसोया उसी टोला का है सर। आज रसोया भी नहीं है? रसोया भी नया है। अच्छा, ऐसे कितना बच्चा आता है? 35-40 करके आ जाता है सर। अब बताइए, ये टोला सेवक 11 बजे तक ही ड्यूटी करेंगे, हालांकि 31 जुलाई को भी कोई बच्चा विद्यालय में नहीं आया था। लेकिन जरा सोचिए कि जब स्कूल में बच्चा आता होगा तो उस दिन बच्चों को कौन पढ़ाता होगा? आपको यहां यह भी बता दूं कि प्रभारी शिक्षक विष्णुदेव कुमार 11 जुलाई से 3 अगस्त तक मेडिकल लगाकर छुट्टी ले रखा था। हालांकि उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ और 20 अगस्त 2023 को प्रभारी शिक्षक की मृत्यु हो गई। लेकिन बीईओ की चालाकी देखिए कि उससे पहले ही
यानी प्रभारी शिक्षक की जब तबीयत बिगड़ने लगी तो जल्दबाजी में अपने एक और रिश्तेदार शिक्षक श्याम भारती को लाभ पहुंचाते हुए प्राथमिक विद्यालय सूरदास टोला से डिप्टेशन देकर मुरवल्ला मुख्य विद्यालय भेज दिया गया और उसी श्याम भारती को प्राथमिक विद्यालय कल्याणा कामत का प्रभार भी सौंप दिया गया। और जानते हैं श्याम भारती का डिप्टेशन 10 अगस्त 2023 को ही होता है, लेकिन वो शिक्षक कभी भी स्कूल नहीं गए। लेकिन जैसे ही 20 अगस्त को कल्याणा कामत स्कूल के पूर्व प्रभारी विष्णुदेव कुमार की मृत्यु होती है, उसी दिन ट्रैक्टर पर कल्याणा कामत स्कूल के सभी सामानों को लादकर मुरवल्ला मध्य विद्यालय में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ बीओ की एक और लापरवाही को देखिए कि उन्होंने इस बात की भी चिंता नहीं की कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले 6 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चे कैसे हर दिन 2 किलोमीटर का सफर तय करके मुरवल्ला स्कूल जाएगा, जबकि ऐसा नियम है कि भवनहीन विद्यालय का संचालन उसी मध्य विद्यालय में किया जा सकता है जो विद्यालय के पोषक क्षेत्र से सबसे नजदीक है। ऐसे में जिस कमलपुर मध्य विद्यालय के भवन में विद्यालय का संचालन किया जा रहा था वो महज 0.5 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन बीईओ ने एक शिक्षकीय विद्यालय कल्याणा कामत को पोषक क्षेत्र से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर मध्य विद्यालय मुरवल्ला में शिफ्ट कर दिया। इससे बच्चों को और अभिभावक को क्या परेशानियां उत्पन्न हुई है उसे भी आप सुन लीजिए। तो कल्याणा कामत में पढ़ते हो? यस। हाँ, वहीं किस क्लास में पढ़ते हो? पांच में पढ़ते हो। ये बताओ कि अब तुम कहाँ जा रहे हो पढ़ने के लिए? मुरवल्ला। यहाँ से कितना दूर है मुरवल्ला? 1 किलोमीटर ज्यादा है। 1 किलोमीटर से? 1 किलोमीटर से ज्यादा है। हाँ। मैं आप ये बच्चा है इसको पता नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी है मुरवल्ला मध्य विद्यालय की, और कल्याणा कामत यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी होगी। तो क्या वहाँ जाने में मन लगेगा कि यहाँ जाने में मन लगता? बगल में लगेगा मन। बगल में? हाँ, बगल में ही रहेगा। कितना दिन, महीना में कितना दिन स्कूल जाता था तुम? डेली जाता था। डेली जाते थे तुम? हाँ। तुम वहाँ खाना उना बनता था? हाँ, बनता था। बच्चा लोग 4 दिन से जब से मुरवल्ला शिफ्ट हुआ है तो कोई अपना गार्जियन बच्चा को उतना दूर नहीं भेज रहा है, इसलिए कि दूर पड़ता है, 2 किलोमीटर दूर है, इसलिए बच्चा लोग नहीं जा रहा है। हम अपना बच्चा को तो जबरदस्ती चला गया आज। मेरे को भी डर लग रहा है कि साइकिल है छीन लेगा, कोई चोरी कर लेगा, कोई मार लेगा, इसलिए डर लग रहा है। इन लोग तो बोला हम नहीं जाएंगे उतना दूर। हमको ये बताइए कल्याणा कामत विद्यालय अब उठकर कमलपुर से मुरवल्ला चला गया, अब वहीं से संचालित होगा, तो आप लोगों का जो ये छोटा छोटा बच्चा है इस बच्चे को आप लोग कैसे भेज पाएंगे? क्या व्यवस्था है आप लोगों के पास? हमारा पास तो कोई व्यवस्था भी नहीं है, पैदल जाएंगे, मेन रोड है, आप जाते हैं आते हैं, क्या रास्ते में क्या होगा नहीं होगा वो तो मालिक जाने, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग का क्या साधन है? 80 स्पीड में चलाता है बाइक। बाइक तो चलता ही है, जो रोड है वहाँ पर क्या उस रोड पर बड़ी गाड़ी भी चलती है? हाँ, कभी काल चलता है, कभी काल चार चक्का चलता है, चार चक्का हमेशा चलते रहता है। तो ये असुविधा क्यों हुई है कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? इस तरीके की परेशानी आप लोगों के साथ, आपके बच्चे के साथ परेशानी क्यों उत्पन्न हुई है? ये तो हमको नहीं मालूम है क्या चीज का परेशानी हुआ है, ये तो नहीं मालूम है। आप पहले से खबर था कि स्कूल जाने वाला है यहाँ से, कोई खबर था? नहीं नहीं, एकाएक हुआ है, अचानक आप लोग को जानकारी मिली कि स्कूल जाने वाला है यहाँ से और चला गया? परसों तो हम लोग को जाने वाला है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि आखिर एक जिम्मेदारी के पद पर बैठे अधिकारी इस तरीके की लापरवाही से भरा फैसला क्यों ले रही है, आखिर क्या कारण है कि सरकारी नियमों को ताक पर रखकर ऐसे निर्णय ले रही है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए यहां बता दूं कि इसका मूल कारण है भवनहीन प्राथमिक विद्यालय कल्याणा कामत का भवन निर्माण। आपको यह भी बता दूं कि जैसे ही भवनहीन विद्यालय कल्याणा कामत के भवन बनाने की योजना प्रस्तावित हुई, वैसे ही 2013 से लगातार प्रभारी रही मनीषा कुमारी की जगह बीओ अपने रिश्तेदार शिक्षक विष्णुदेव कुमार को फरवरी 2022 में प्रभार दे दी,
और जब अगस्त 2023 में विष्णुदेव कुमार की तबीयत और अधिक बिगड़ने लगी तो आनन फानन में बीईओ ने अपने दूसरे रिश्तेदार शिक्षक श्याम भारती को प्रभार दे दी। और देखिए कि जैसे ही 20 अगस्त को विष्णुदेव कुमार की मृत्यु होती है, वैसे ही उसी दिन कल्याणा कामत स्कूल को मुड़बल्ला मध्य विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया। और जिस भवन के निर्माण के लिए बीईओ द्वारा इतनी हेराफेरी की गई, सरकारी नियमों को ताक पर रख दिया गया, उस भवन के निर्माण के लिए बालू और ईंट भी गिरा दिया गया है मौजूदा वक्त में, और आने वाले कुछ ही दिनों में निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा और एक भवनहीन विद्यालय को भवन मिल जाएगा और डी टोला कल्याणा कामत के बच्चों को अपने गाँव में ही विद्यालय मिल जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बीईओ की इस लापरवाही की खबरें डीईओ और डीएम को नहीं है? कल्याणा कामत का ये एक मामला जो अभी सामने आया है वो सवाल खड़ा करता है कि क्या ऐसे और भी मामले हैं प्रखंड क्षेत्र में जहां भवन बनाने के लिए इस तरीके की हेराफेरी की जा रही है, सरकारी नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। आपको बता दूं कि मौजूदा बीईओ शीला रानी अपने कई अन्य रिश्तेदार शिक्षकों को भी लाभ पहुंचाती रही है, किसी को अब्सेंटी बनाकर तो किसी को उनके गांव के विद्यालय में डिप्टेशन देकर लाभ पहुंचाती रही, किसी रिश्तेदार शिक्षक को छुट्टी का लाभ दे देती है तो किसी शिक्षक को उस विद्यालय का प्रभार दे देती है जहां पूर्व से ही कई वरीय शिक्षक मौजूद हैं। ऐसे कई प्रकार के लाभ पहुंचा रही है ये बीईओ शीला रानी मौजूदा वक्त में। और इन सब बातों की जानकारी ना तो जिले के डीएम को है और ना ही नियमों को ताक पर रखने वाली इस बीईओ की ऐसी करतूत की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि ऐसे लापरवाह और गैर जिम्मेवार अधिकारी की हेराफेरी की जानकारी अधिकारियों तक पहुँच जाए और फिर कार्रवाई हो और शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव हो सके। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप हमारे द न्यूज 19 के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।